अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? वालेकुम सलाम जी, मैम आ रही है। ऑल राइट। बस आज एक्चुअली आपको पता है मंडे की फर्स्ट क्लास मिस हो गई थी, तो मैं चाह रही थी कि बजाय उसकी कि एक रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं, उससे बेहतर है कि जितनी देर की मैंने रिकॉर्डिंग करनी है उतनी देर आप के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाए, ताकि अगर कोई क्वेरी है आपके पास तो आप डिस्कस कर लें। तो ठीक है, तो असाइनमेंट का भी जरा बता दीजिए जरा। जी जी देखिए आप, चलें असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं पहले। आपने देख लिया असाइनमेंट? जी बिल्कुल मैम, देख लिया आपने वो LL1 भी बताया हुआ है कुछ, तो LL1 हमने पढ़ा ही नहीं आई थिंक। अच्छा, आप ऐसे करें उतनी देर तक सारी ग्रामर्स बन जाएंगी आपकी। LL1 में होता है ये जो एम्बिग्विटी हम पढ़ रहे हैं आजकल, इसमें सबसे पहला काम ये होता है कि एम्बिग्विटी आपने डिटेक्ट करनी होती है कि कहाँ कहाँ पे है, आइडेंटिफाई करनी होती है, और उसके बाद फिर उसको रिमूव करना होता है LL1 में। और इन पैरेलल एक दो और फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करने होते हैं, वो मैं आपको इनशाला मंडे की क्लास में आपकी LL1 तक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मंडे की क्लास में आपको पता चल जाएगा कि LL1 पार्सिंग में क्या क्या परफॉर्मेंस आपने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। सबसे पहले तो आपने एम्बिग्विटी रिमूव करनी होती है, और एक दो और प्रोसेसेस हैं जो परफॉर्म करने होते हैं। तो वो एक प्रोसेस लेफ्ट रिकर्जन का है जो रिमूव करनी होती है, और लेफ्ट फैक्टरिंग करनी होती है। तो मंडे वाली क्लास में हम लेफ्ट रिकर्जन भी रिमूव कर लेंगे इनशाला, और लेफ्ट फैक्टरिंग भी कर लेंगे। ये दो टॉपिक्स छोटे छोटे से हैं, बहुत सिंपल से, तो ये कर लेंगे। बाकी एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी तो आपको पता चल ही गया है कि क्या होती है, तो आज हम देखते हैं कि एम्बिग्विटी को रिमूव कैसे करना होता है। तो LL1 ग्रामर जो होती है वो एक्चुअली यही होती है, इन्हीं तीन प्रोसेसेस से गुजर के जो ग्रामर बनती है वो LL1 ग्रामर होती है। खैर, अभी आपके पास टाइम है, आप अभी जो जितना भी टाइम है उतने टाइम में आप जो ग्रामर्स आपको दी हुई हैं, जो स्पेक्स दी हुई हैं, उन स्पेक्स के अकॉर्डिंगली CFGs कंस्ट्रक्ट कर लें। वो जो इतनी देर आपने में आइडेंटिफायर्स वगैरह ऊपर कीवर्ड्स वगैरह लिखे उनको दे के हमने CFGs वगैरह बना लिया अपनी। हाँ वो रूल्स बताए हुए आपको, जैसे कि मैं आपको क्लास में रूल्स बताती हूँ कि अच्छा फॉर लूप ऐसा होगा, वाइल लूप ऐसा होगा, वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर होगा। वो आपको स्पेसिफिकेशंस का मतलब यही होता है कि आपको सिंटेक्स बताया हुआ है सबका, पूरी स्पेक्स बताई हुई है कि इंटीजर कैसा होगा, और इसमें लेक्सिकल लेक्सिकल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, और ग्रामर का ओवरऑल सिंटेक्स क्या होगा, ये सारी स्पेसिफिकेशंस दी हुई है आपको। एंड पे आपने करना ये है कि आपने उनकी ग्रामर्स बनानी है, जो क्वेश्चंस आपको बताए हुए नीचे कि इन इनकी ग्रामर बना लें। बाकी वो ग्रामर्स जिनकी बनाने को कहा है वो हमने ऑलमोस्ट सारी क्लास में बनाई हुई है, तो आपने उसी को देख के एक तरह से कंपाइल करना है, एक 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 नॉर्म एक अच्छे डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कंपाइल करना है। अगर आपने कहा फॉर लूप की बनानी है तो हम लोग फॉर लूप का जो स्पेसिफिक बताई हुई है वो दे के हमने अपने सीएफजी हाँ पे जी बिल्कुल, तो फॉर लूप की जहाँ पे वो लिखा हुआ है वहां पे आपने खुद से नहीं सोचना कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, आपने उसमें आपने लिखा। देखना है जी जो गिवन स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक आपने देखना है कि फॉर लूप की कैसी बनेगी। ठीक है तो ये ऑलमोस्ट सभी हमने क्लास में की हुई है, ऐसे ही की हुई है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। आपने सिर्फ एक तरह से वो एक तरह आपकी जितनी भी आपने ग्रामर्स की है ना उसकी रिविजन हो जाएगी। जी बिल्कुल मैम, बस तो वो बेस्ट LL1 बनने जी तक जी वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर वो जो हाँ पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, तो ये एक तरह से रिवीजन हो जाएगी आपकी सारी पेपर्स। आप खुद से बनाएंगे तो बेस्ट है, बाकी देख तो आपके सामने होंगी, सही देख तो आप सकते हैं उसको एनी टाइम पे। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं खुद ही बनाएंगे। ओके लास्ट क्लास में हमने एम्बिग्विटी देखी थी कि क्या होती है, मैं उधर से ही उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी जिनकी हमने जिनको हमने जिनमें हमने एम्बिग्विटी डिटेक्ट की थी। ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हुई हुई है, इफ स्टेटमेंट जो हमने बनाई थी इसमें एम्बिग्विटी थी। सो ये जो ग्रामर आपके पास है इफ स्टेटमेंट की, ये एम्बिगुअस ग्रामर है। ये कैसे एम्बिगुअस है, ये सामने आपके पास इसकी स्क्रीन के आपके पास स्ट्रिंग एक अवेलेबल है, इफ E1 इफ E2 S1 else S2। अब हमें हमने कैसे पता चला कि ग्रामर एम्बिगुअस है, हमने ढूंढी बहुत सारी इफ स्टेटमेंट्स, लेकिन हमें ये एक ऐसी इफ स्टेटमेंट लगी जो कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। इस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अगेंस्ट हमें पता चला कि ये जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है इसके अगेंस्ट दो पार्स ट्रीज बन रहे हैं। सो दो पार्स ट्रीज बन रहे हैं तो इट मींस के ग्रामर एम्बिगुअस है। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लीज गिव मी योर फीडबैक। अच्छा, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने ये आपको हो सकता है ये ग्रामर दी हो, ठीक है,
लेकिन ये स्ट्रिंग आपको नहीं दी होगी, ये स्ट्रिंग आपने खुद आइडेंटिफाई करनी होगी। सो आपको एनालिसिस खुद करना आना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्ट्रिंग हम उसमें से आइडेंटिफाई करें, निकालें कि उसके दो पार्ट ट्रीज बन जाते हैं। तो अब इस तरह की कोई स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करके आपने, आपको तो समझ आ गई कि दो पार्ट ट्रीज बन रहे हैं, तो आपने प्रूव करना होता है उसको, किसी को प्रूव करना होता है। मतलब आपसे कोई पूछता है आप कैसे कह सकते हो कि ये स्ट्रिंग जो है, ये जो ग्रामर है ये एम्बिगुअस है, तो आप कह सकते हैं सिंपली दिस इज द स्ट्रिंग, आप और उसके दो ट्रीज बना के दिखाएंगे कि देखो इसके दो ट्रीज बन रहे हैं, ये तो ग्रामर एम्बिगुअस है, ये प्रूफ होता है उसका। सो इस तरह से हम फिर प्रूव करते हैं कि ग्रामर एम्बिगुअस है। अब हमने इसकी एम्बिगुइटी जो अभी हमने बात की कि ग्रामर LL1 ग्रामर की, LL1 ग्रामर की एक्चुअली कुछ प्रोसेस से, आपकी जो सिंपल ग्रामर आप जैसी भी बनाते हैं CFG, वो तीन प्रोसेसेस से गुजरती है। उसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपकी ग्रामर में एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी ग्रामर एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। एम्बिगुअस होने का मतलब अगेन वही है कि ऐसी इनपुट कोई आ रही हो और उसके पास ऑप्शंस आ जाएं कि अच्छा मैं इसके अगेंस्ट ऐसी पार्सिंग करूं, ये जो ये वाला ट्री फर्स्ट वाला ट्री बना हुआ है ऐसी पार्सिंग करूं, या फिर मैं उसके अगेंस्ट ये वाली पार्सिंग करूं जो दूसरा ट्री बना है, यानी ये ऑप्शन ऑप्ट करूं या ये ऑप्शन ऑप्ट करूं, जहां पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा मुझे ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए या ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। जाहिर है उसके पास तो आपने प्रोग्राम किया हुआ है पार्सर, तो उसके पास, उसने तो मल्टीपल ट्रीज उसके बना सकता है, तो प्रोग्रामड है इसके लिए। हमें टाइम लग सकता है आइडेंटिफाई करने में कि ऐसी कोई स्ट्रिंग है या नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसी कोई स्ट्रिंग पास कर दिया और उसके पास, और उसने कंस्ट्रक्ट किया और उसके दो ट्रीज बन गए, तो अब उसको क्या पता कौन सा ट्री फॉलो करना है, सो कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे एम्बिगुइटी आ जाती है, कंफ्यूजन आ जाती है, जहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है वहां पे हम कहते हैं कि द ग्रामर इज एम्बिगुअस। सो एक्चुअली आपने अपनी ग्रामर में से ये एम्बिगुइटी रिमूव करनी होती है ताकि कंपाइलर कंफ्यूज ना हो, कंपाइलर को कोई डाउट ना हो कि अच्छा उसने ये ट्री यूज करना है या ये ट्री यूज करना है। सो ग्रामर हमेशा एक ही बनना चाहिए LL1 ग्रामर के लिए। सो आपकी ग्रामर में से एम्बिगुइटी रिमूव करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, एल्गोरिदम नहीं है। अगर कोई एल्गोरिदम होता तो बहुत आसान बात थी कि अच्छा ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 परफॉर्म कर लें और आपकी एम्बिगुइटी रिमूव हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एम्बिगुइटी आपने जो रिमूव करनी है वो आपने अपने एनालिसिस की बेस पर रिमूव करनी है। आपने खुद सोचना है कि अच्छा इसमें से क्या ऐसा करूं, मैं ग्रामर को किस तरह से चेंज करूं, सॉरी ग्रामर को मैं सो ग्रामर को मैं किस तरह से चेंज करूं कि लैंग्वेज भी चेंज ना हो और ग्रामर भी नॉन एम्बिगुअस ग्रामर बन जाए। अब उसका एनालिसिस करने का तरीका ये होता है कि आप देखें कि एम्बिगुइटी आ क्यों रही है, रीजन क्या है एम्बिगुइटी आने की। अब इस केस में आप अगर देखें तो आपके ख्याल में क्या प्रॉब्लम है जो कि एम्बिगुइटी कॉज कर रही है? जी, एनी फीडबैक, कोई ओपिनियन किसी का, कोई कमेंट कि क्या रीजन है जो एम्बिगुस हो रही है आपकी ग्रामर? कोई कुछ कहना चाहेगा? यही है कि ये दो एक स्ट्रिंग की हमारी दो पार्ट स्ट्रिंग बन रही है जिसकी वजह से हमारी ये एम्बिगुइटी आ रही है। आपने एक ये नेस्टेडिक्स की दी हुई है। ऐसा ही है। अब ये दो बन क्यों रहे हैं? दो बनने के तरीके देखें जरा कि बन इसलिए रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ गई थी कि हम इफ स्टेटमेंट में से ये खाली ओनली इफ वाली स्टेटमेंट गेट कर लें या फिर इफ एल्स वाली पिक कर लें। अब अगर मैं पहले इफ एल्स वाली पिक कर लूं तब दरमियान में जो STMT यूज हो रहा है इसमें से खाली इफ पिक कर सकती हूं। अगर दरमियान से खाली इफ की स्टेटमेंट, अगर कोई ऐसी ऑप्शन होती कि हम अलाउ ही ना करें कि दरमियान से खाली इफ पिक कर होता, अलाउ ही नहीं करते, तो फिर तो इसका मतलब है यहाँ से इफ पिक ही नहीं हो सकता था। फिर इन एनी केस उसे यही ऑप्शन पिक करनी पड़नी थी कि अच्छा पहले इफ खाली पिक कर लें उसके बाद इफ एल्स पिक कर लें। तो रीजन इसकी यही है कि अच्छा ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसकी वजह से आपके पास एम्बिगुइटी कॉज हो रही है, ये इसकी वजह से। स्टेटमेंट में भी कोई भी स्टेटमेंट हम पिक कर सकते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट जो है इसकी वजह से हम कोई भी स्टेटमेंट, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट हम पिक कर सकते हैं। दोबारा से हमने इफ स्टेटमेंट, खाली इफ स्टेटमेंट पिक कर ली, हमने अलाउ कर दिया कि ठीक है जो इफ एल्स का पोर्शन पूरा पिक होके आता है, दरमियान में उसकी कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, चाहे वो इटसेल्फ खाली इफ की स्टेटमेंट क्यों ना हो, हमने अलाउ कर दिया, दैट्स व्हाई उसने ये पिक कर लिया।
अगर हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर सॉरी अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें सॉरी अच्छा अब अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें कि ये जो एस टी एम टी है ये जो दरमियान में इफ स्टेटमेंट की यहाँ पे एस टी एम टी लगा हुआ है ये एस टी एम टी जो है ये अलाउ ही ना करे कि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट दरमियान से पिक होती हो, तो कम अज कम उससे ये होगा कि अच्छा कोई भी स्टेटमेंट आ जाए लेकिन इफ खाली ओनली इफ वाली स्टेटमेंट ना आए, तो इससे ये होगा कि खाली इफ वाली स्टेटमेंट ओनली इफ वाली, इफ एल्स वाली नहीं है, नोटिस करें इफ वाली है, ओनली इफ वाली स्टेटमेंट पिक ना हो सकती हो तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हमें इन एनी केस अगर खाली इफ वाली लेनी है तो पहले खाली इफ वाली पिक करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो आखिरी एस टी एम टी है इसके एस टी एम टी को हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो इसके एस टी एम टी से हम इफ एल्स पिक कर लेंगे। बात समझ आ रही है मेरी? यस मैम आ गई। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, कोई थ्योरम नहीं था, आपने खुद से सोचना है कि अच्छा प्रॉब्लम आ क्यों रही है, कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, आपने उसको देखना है कि अच्छा क्या मैंने ऐसा किया है कि दो ट्री बन रहे हैं, मैं उस चीज को ही खत्म कर दूं, मैं उसको मॉडिफाई कर दूं। एक लैंग्वेज की जैसे बहुत एक देखें हम हमेशा से देखते हैं कि आपको एक लैंग्वेज गिवन होती है और रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हर कोई अपनी मर्जी की बना सकता है, उसमें अलाउड होता है डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन एक ही लैंग्वेज के अगेंस्ट बन सकती हैं। तो जिस तरह एक लैंग्वेज के अगेंस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन मल्टीपल बन सकती हैं, सी एफ जीज भी डिफरेंट बन सकती हैं, जरूरी नहीं है कि उसकी एक ही सी एफ जी बन सकती है। हो सकता है कि किसी ने अनवार ने ये एम्बिगुअस सी एफ जी बनाई है, हो सकता है उसामा ने जो है वो सी एफ जी जो बनाई है वो उसकी ऑलरेडी नॉन एम्बिगुअस, उसने ऐसी सी एफ जी डायरेक्ट बना ली है जो कि एम्बिगुअस है ही नहीं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक कि आपने क्या लॉजिक यूज की हुई है। सो एक ही लैंग्वेज की मल्टीपल सी एफ जीज हो सकती हैं। सो हमने ये देखना है कि अगर हमने कोई एम्बिगुअस बना लिया तो उसे नॉन एम्बिगुअस वाली में कन्वर्ट कर लें। लैंग्वेज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज के रूल्स स्पेसिफिकेशंस डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, लेकिन इसके इक्विवेलेंट कोई ऐसी नॉन एम्बिगुअस बन जानी चाहिए। सो मैं ऐसे अब सोचूंगी कि अच्छा ठीक है मैं अपनी ग्रामर को ओरिजिनल ग्रामर को मॉडिफाई करूंगा इस तरह से कि उसमें से सारी इफ एल्स की स्टेटमेंट्स तो पिक होती हों लेकिन इन पैरेलल ये भी हो कि दरमियान से एम्बिगुइटी भी खत्म हो जाए। तो मैं इसके लिए लेट मी ओपन अ न्यू व्हाइट बोर्ड जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा मुझे अच्छा चलें इसी ग्रामर को यहीं पे मॉडिफाई कर देते हैं। मैं चाह रही थी यहाँ पे नया कोई एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड आ जाता। मैम आवाज नहीं ठीक आ रही। मैंने म्यूट किया हुआ है एक्चुअली, मैं ये ग्रामर थोड़ी सी मॉडिफाई करके लिखती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है आवाज आ रही है मेरी? यस मैम अब आ रही। चले मैं अभी बोल नहीं रही थी, वो दूसरी क्लास हो रही है इन पैरेलल आपको उनकी आवाज आ रही होगी। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ये वाली जो ग्रामर यहाँ लिखी है मैं उसको दोबारा से लिखे तो उसमें उसमें फिर चेंजेस कर रही हूँ, तो फिर मैं अनम्यूट करती हूँ।
अच्छा, अब ये जो इफ स्टेटमेंट है, देखें इसमें आप नोटिस करेंगे इसमें दो और के साथ दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास. एक तो आप ये एक तो ये कि आप सिंपल इफ स्टेटमेंट पिक कर सकते हैं या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट पिक कर सकते हैं. ठीक है, तो अब मैं इस तरह से इसको मॉडिफाई करने लगी हूँ कि ठीक है आप कर सकते हैं. हम ऐसे करते हैं, खाली इफ के लिए एक नया नॉन टर्मिनल बना देते हैं और ओनली इफ, ये देखेंगे इसको मैं कह रही हूँ ये ओनली इफ है जिसमें एल्स नहीं है कहीं पर भी. सो इस ओनली इफ वाली स्टेटमेंट के लिए एक नया नॉन टर्मिनल बना देते हैं जिसमें सिर्फ यही वाली स्टेटमेंट होगी इफ ओनली, जिसमें सिर्फ इफ ही पिक हो सकता होगा. और ये जो दूसरा पोर्शन है इसके लिए मैं एक नया नॉन टर्मिनल डिफाइन कर देती हूँ जिसमें इफ एल्स पिक हो सकता होगा. ठीक है, तो मैं इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करने लगी हूँ. जी, ये मॉडिफाई किया मैंने ग्रामर थोड़ी सी सिंपल. इसमें ये किया है कि इफ वाला पोर्शन, ये इफ ओनली जो है इसको समझे कि ये आपका नॉन टर्मिनल है. नॉन टर्मिनल यानी इसकी एक प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है. सो इफ ओनली, और इसमें मैंने सिंपल इफ वाला पोर्शन लिखा. और इफ एल्स में सिंपली अभी मैंने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि मैंने ये इफ एल्स वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया. इसमें से ऐसे करें, अभी बेशक हम इनिशियली ये अदर भी निकाल लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से आ गया. चलिए फिलहाल हम इसमें से निकाल लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ तक देखें तो यहाँ तक आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ तक सो सिंपल. अभी मैंने सिंपल इतना किया है कि आपके इफ के जो दोनों पोर्शंस थे उन दोनों को सेपरेट करके अलग अलग नॉन टर्मिनल्स के नाम देके लिख लिया. यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो सिंपल था अभी तक, है ना? ठीक है. अच्छा, अब इसमें से स्टिल आप बेशक अलहदा अलहदा नॉन टर्मिनल्स के साथ लिखे लेकिन डाटा तो आपका सेम है ना, अंदर प्रोडक्शन तो सेम है. सो अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप अभी भी इसके दो चीज बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, इसी तरह दो चीज बना सकते हैं, इससे अलहदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम मैंने आपको बताया जो मैंने आइडेंटिफाई की उसमें ये आ रही थी कि ये सेंटर वाला जो पोर्शन है एस टी एम टी, इफ एल्स अगर हम पिक करते हैं तो इससे जो एस टी एम टी है इसमें से आप ओनली इफ वाली स्टेटमेंट पिक कर सकते हैं. हम ये कह रहे हैं हम यहाँ पे इफ वाली स्टेटमेंट, खाली इफ वाली स्टेटमेंट ना पिक करें, बाकी कोई भी और स्टेटमेंट पिक कर लें. तो उसके लिए मैंने इस तरह से इसको हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि बजाय इसके कि मैं यहाँ पे एस टी एम टी लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे एस टी एम टी की जगह आई कैन चेंज द कलर, मैं इस एस टी एम टी की जगह ओके
सॉरी ओके इस एस सो इस एस टी एम टी की जगह मैं इस तरह करती हूँ कि मैं यहाँ पे इफ एल्स लिख देती हूँ लाइक दिस इफ एल्स ठीक है और इस एल्स की जगह पे भी मैंने स्टेटमेंट खत्म कर दिया और इफ एल्स अब इस इफ एल्स का मतलब क्या है इस इफ एल्स का और इफ एल्स एल्स का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इफ एल्स ये वाली इसी प्रोडक्शन पे जा सकते हैं और अगेन इफ एल्स ही पिक कर सकते हैं सो हमेशा इफ एल्स ही पिक होगा जबकि हमारे पास ऑप्शन ही होनी चाहिए कि इफ एल्स या अदर देन इफ कोई भी स्टेटमेंट आ जाए यानी इनपुट आउटपुट फॉर लूप प्रिंटिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट अरिथमेटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन व्हाटएवर नल स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट आ सकती हो फंक्शन कॉल कोई भी स्टेटमेंट आ सकती हो सो हमने इसको फिर फर्दर मॉडिफाई करना है फर्दर मॉडिफाई आपने इस तरह से किया कि ठीक है फर्दर मॉडिफाई अब हम इसको करने लगे हैं फर्दर मॉडिफाई मैं इस तरह से करूंगी कि खाली इफ एल्स यहाँ तो एक चीज तो क्लियर है कि खाली इफ एल्स पे जा रहा है यानी हमेशा यहाँ से दरमियान से इफ एल्स यही वाली स्टेटमेंट पिक होगी इसको फर्दर मॉडिफाई करने का मतलब है यहाँ पे मैं एक अदर ऐड कर देती हूँ अदर का मतलब अब हम अज्यूम करेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट जिसमें इफ एल्स तो आ रहा है लेकिन ये अदर देन इफ कोई भी स्टेटमेंट आ रही है यानी अदर का मतलब है कि एक तो डेफिनेटली इफ एल्स तो आएगा उसके अंदर इफ स्टेटमेंट नहीं आ सकेगी उसके अंदर तो ये इफ एल्स में पूरी इफ एल्स की स्टेटमेंट पिक होगी हाँ इफ एल्स का मतलब है ये जो इफ एल्स वाला वाली प्रोडक्शन है इसकी राइट साइड पे जो भी उसकी प्रोडक्शन बन रही है नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट जो भी उसकी प्रोडक्शन बन रही है वो पूरी आएगी ठीक होगा O1, O2, ये मैंने सिर्फ O1, O2, O3 इसलिए रखे हैं कि नॉन टर्म इनको अब टर्मिनल्स हम बता रहे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि वेरीफाई होके आ रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंटैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है सो अब अगर देखें इसको तो ठीक है इफ में से खाली इफ पिक होगा और इफ एल्स का मतलब है कि इफ एल्स में अदर देन इफ कोई भी स्टेटमेंट पिक हो सकती है यानी इफ एल्स की भी पिक हो सकती है ये जो आपने इफ एल्स बनाई है ये भी पिक हो सकती है और इसके अलावा कोई भी अदर स्टेटमेंट अदर मैंने एक नॉन टर्मिनल डिफाइन कर दिया और नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट O1 O2 ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम E1 E2 S1 S2 डिफाइन करते हैं जिनको हम टर्मिनल सिंबल्स कहते हैं हम कहते हैं कि ये कोई भी स्टेटमेंट आ रही होगी और ये वेरीफाइड होगी सिंटैक्टिकली यानी इसके सिंटैक्स में कोई मसला नहीं होगा हम कह रहे हैं कि अच्छा ये जो कोई भी स्टेटमेंट आ रही है सिंटैक्टिकली बिल्कुल ठीक है आप यहाँ पे वो पिक कर लें ठीक है सो अदर का मतलब है अदर देन इफ कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है इफ एल्स भी आ सकती है इटसेल्फ ये जो इफ एल्स है ये भी आ सकता है ठीक है बात समझ आ रही है तो आपके पास अब ऑप्शन है अदर देन इफ कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है क्योंकि अभी हम टर्मिनल की तरफ जाएंगे दरमियान से इफ एल्स का मतलब है कि यहाँ से आप दोबारा यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ से पिक कर सकते हैं अगेन इस इफ एल्स का भी यही मतलब है दूसरा जो इफ एल्स एल्स के बाद लगा हुआ ये वाला इसका भी यही मतलब है कि अगेन आप इसी नॉन टर्मिनल पे जाएं और फिर से इफ एल्स पिक कर लें अब टर्मिनल भी तो कोई होना चाहिए ना टर्मिनेट कहाँ करेंगे तो टर्मिनेट करना है अगर आपने तो ये अदर पिक करेंगे और वहां से कोई भी अदर O1 O2 पिक कर लेंगे इसका मतलब है कि अदर देन इफ कोई भी स्टेटमेंट यानी कोई भी इनपुट आउटपुट प्रिंटिंग फंक्शन कॉल रिटर्न नल कोई भी स्टेटमेंट पिक करें और उसे टर्मिनेट करें बात समझ आई है मैम ये इफ एल्स अगर हम दोबारा पिक करेंगे तो वो स्टेटमेंट नहीं आएगी बीच में ये इफ एल्स की जगह आपने लिखा हुआ है इफ एल्स की आएगी लेकिन खाली इफ की नहीं आएगी जैसे कि लेट मी राइट सम स्टेटमेंट हियर कि अगर मैं लिखूं कि स्टेटमेंट इफ E1 S1 else S2 ठीक है ये इसमें से पिक हो जाएगी इसके अलावा इफ S1 E1
सॉरी और अगेन यहाँ पे अगर आपने else वाली स्टेटमेंट पिक करनी है तो वो आ जाएगी इफ ई टू एस वन एल्स एस टू एल्स एस थ्री ये स्टेटमेंट भी पिक हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि आपके पास ये पहला इफ पिक हुआ इफ इवन और उसके बाद ये था आपके पास इफ एल्स वाला पोर्शन ये वाला एस ये यहाँ तक एस टू तक ये इफ से स्टार्ट होके एस टू तक ये इफ एल्स वाला पोर्शन है दरमियान में ये वाला ये ठीक है और उसके बाद ये एल्स एस थ्री है ये वाला एस है और ये एस थ्री का मतलब ये ओ थ्री कह लें आप ओ थ्री है. इनफैक्ट मैं इसको मॉडिफाई कर सकती हूँ तो ये एस और एन एक ही बात है. ओके अब ये प्रीवियस मूव कर ले ये हमें लिखा हुआ है ऑलमोस्ट इसको ओ कर लेते हैं. नहीं मैं रिमूव इससे नहीं करना चाह रही क्योंकि हम रेफर कर रहे हैं बार बार उसको ओ टू और ओ वन ओ कर लें एस कर लें बात एक ही है स्टेटमेंट ही है ना कोई भी स्टेटमेंट ओ टू कोई भी स्टेटमेंट है जो पिक हो रही है इसमें से एस थ्री की जगह ओ थ्री कर लें ठीक है. अच्छा अब ये जो इफ पहली वाली इफ स्टेटमेंट है ये वाली एक तो ये आप पिक कर सकते हैं और आप ये वाली जो स्टेटमेंट है दूसरी वाली ये भी पिक कर सकते हैं. कैसे पिक कर सकते हैं इसका इसकी समझ आई है ये इसकी नहीं आई होगी ये वाला जो पोर्शन है ना ये कहाँ से आया पहली इफ स्टेटमेंट हमारी आ गई ना इफ इवन पहली इफ आ गई इफ इवन तक और उसके बाद ये वाला जो मैंने अंडरलाइन किया है पोर्शन ये आपका आया यहाँ से इफ एल्स आपने यहाँ से इफ एल्स पिक किया और इस इफ एल्स में से अगेन आपने ये पूरी प्रोडक्शन पिक कर ली इफ एल्स वाली ठीक है. तो यहाँ से इफ ई टू ओ वन एल्स एस टू ठीक है ये आ गया बिल्कुल फिर एल्स और ये वाला जो एल्स आखिरी वाला एल्स है इसको फिर से ड्रॉ करती हूँ ठीक है. ये वाला जो else है ना ये आपका पहले वाले if से ही आया था यानी ये वाले if के साथ if even और else पार्श्वी बना के देखेंगे इसका इसका जरा पार्श्वी बना के देखें आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा. ओके मैम सो ये वाली जो ये जो स्ट्रिंग है ना इसका ये जो मैं मार्क कर रही हूँ इसके लिए पार्श्वी बना के देखें यू विल तो इस ये जो गिवन ग्रामर है ये जो मॉडिफाइड ग्रामर है ना इसके लिए तो आपको क्लियर हो जाएगा. सो इस ग्रामर के को यूज करते हुए जी बना रहे हैं जी यस मैम बना रहे हैं मैं बना के बताते हैं
जी बेटे बनाया आप पार्स ट्री? मैम ये इफ एल्स में से कौन सा आता है? इफ एल्स में से आप यही वाली स्टेटमेंट इफ एल्स वाली पिक करेंगे जो करंट स्टेटमेंट जो करंट प्रोडक्शन है इफ इवन इफ एल्स एल्स इफ एल्स यानी ये सेकंड जो सा इफ एल्स लिखा हुआ है फिर वो है यही स्टेटमेंट पिक उधर से अच्छा दूसरा जो है ना इफ एल्स उधर से अदर पिक करें और उधर से अदर से ओ ओ2 पिक कर लें उधर से ओ2 पिक कर लें हाँ ये टर्मिनल इसीलिए है कि जहाँ पे टर्मिनेट करना है आपने तो वहाँ पे आप टर्मिनल तो कोई आएगा ना कोई और स्टेटमेंट तो आएगी ठीक है मैम ये जो सेकंड पोर्शन में आपने लिखा हुआ है इफ e2 o1 else o2 इसकी नहीं समझ आ रही बस बाकी तो else o2 देखें इफ ये जो इफ एल्स पिक हुआ है यहां पे किया है आपने ये जो पहला आपने इफ एल्स में से इफ e e1 और ये जो दरमियान में इफ एल्स लगा हुआ है इसकी जगह क्या पिक कर रहे हैं आप इसमें जो से इफ एल्स की स्टेटमेंट है वो पिक कर रहा हूं मैं या ये हां तो ये इफ एल्स में यही आएगा ना इफ E, अब ये E की जगह E2 कर लें इसको और else भी आए else if else की जगह पे O1 पिक करें और else अदर से जाके O2 पिक कर लें जी ठीक हो गया मैम बन गए अच्छा ठीक है पार्स ट्री बन रहा है समझ आ रही है अब कि किस तरह से इसमें से स्टेटमेंट्स पिक होंगी यस इसका तो बन गया हां बन गया है और समझ भी आई है थोड़ी सी कि किस तरह से इफ एल्स में से हमेशा या तो इफ एल्स ही पिक हो सकेगा या फिर अदर देन इफ यानी ओनली इफ वाली स्टेटमेंट नहीं आएगी कोई भी सिंपल इफ नहीं आ सकेगा नहीं चूज हो सकेगा ठीक है मैम ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड कर बिल्कुल वो तो मैं ऑब्वियसली मैं इसको YouTube पे अपलोड करती हूँ इसलिए वो आपको परमानेंट अवेलेबल होगा इंशाल्लाह एक मिनट कहाँ गए चलें जी अच्छा यहाँ तक तो ठीक है कि आपके पास इफ एल्स जो है वो इफ एल्स में से इफ एल्स ही पिक हो रहा है अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो नहीं पिक हो सकेंगी जैसे कि कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो कि जिनका पार्स ट्री आप नहीं बना सकेंगे लेट मी राइट इट ओवर हियर ट्राई करते हैं शायद बनी जाए इफ ई वन इफ ई टू एस वन एल्स अब इस एल्स के आगे अगर मैं दोबारा इफ लगा लूं और सिंपल इफ लगा लूं यानी इसी को अगर मैं मॉडिफाई करूं स्ट्रिंग को So, इसी स्ट्रिंग को अगर मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट होता है यहाँ पे सी
अरे वाह, ठीक है, यहाँ O3 की जगह पे मैं फिर से इफ कर लूँ अगर इफ E3 S1 अच्छा, अब ये वाली जो स्टेटमेंट है इसके लिए पार्स ट्री बना के देखें, इस स्ट्रिंग के लिए ये वाली जो स्ट्रिंग है, इफ क्या पहले देखें सिंटैक्टिकली ठीक है, इफ इवन ठीक है, इफ इवन के आगे मैंने कर दिया स्टेटमेंट वन ना या अदर O1 O2 ना पिक हो, बल्कि एक इफ स्टेटमेंट ही पिक हो जाए, इफ E2 O1 एल्स O2 ठीक है, और उसके बाद जो एल्स है ये पहले वाले इफ का है, एल्स के बाद अब मैंने कहा इफ E3 S1 यानी एल्स के बाद हम हमने कहा कि हम फिर से एक इफ स्टेटमेंट पिक, ये सिंटैक्टिकली बिल्कुल ठीक है, इसके सिंटैक्स में कोई मसला नहीं है, सो हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह की स्टेटमेंट जिसका इसका पार्ट थ्री बन सके, ट्राई करें बनता है।
मैम ये बस इधर तक ही बन रहा है, ओ टू तक हमारा। ये हाँ जी बिल्कुल जी, बताइए। नहीं बन रहा, ओ टू तक बन रहा है हमारा सिर्फ। हाँ ओ टू तक बन रहा, वो नहीं बनेगा। सो अब हमने इसी ग्रामर को मॉडिफाई करना है इस तरह से कि वो बनना शुरू हो जाए। तो आपका ख्याल है कैसे करना चाहिए इसको, क्या मॉडिफिकेशन करें इसमें? ग्रामर में मैम जी ग्रामर में क्या चेंज करूं? ग्राम अच्छा, इसमें अब चेंज जो करना है वो इस तरह से हम करेंगे कि ये जो इफ ओनली वाली स्टेटमेंट है, इसका हम कहते हैं कि बजाय इसके कि खाली इफ ओनली इसमें से हम चूज करें, हम इसमें मॉडिफाई करते हैं कि इफ ई, तो इसके आगे इफ एल्स ठीक हो जाए, एल्स इफ ओनली। अच्छा अब इसमें इस तरह से है कि इसको मैं ऐसे, मैम, अगर हम ये कर लें कि इफ हाँ एल्स की जगह एक और अलग एसटीएमटी हाल ही लिख लें स्टार्टिंग पर। ये इस तरह से होगा। कहाँ पर? ये जिधर आपने लिखी ना इफ स्टेटमेंट, इफ ओनली और इफ एल्स, फिर एक और लगा के एसटीएमटी लिख ले। एक और लगा के क्या लिखें? एसटीएमटी? एसटीएमटी को जी तो मसला ही नहीं है वो, तो फिर इसका मतलब है कोई भी स्टेटमेंट फिर से उसमें से पिक हो जाएगी और उसमें फिर इफ स्टेटमेंट भी आ जाएगी। बिल्कुल सॉरी, फिर से वही वाला प्रॉब्लम रेज होना शुरू हो जाएगा। हमने कहा कि इफ एल्स वाला तो सारा पोर्शन ठीक चलता है। अब ये जो इफ ओनली वाला पोर्शन है ठीक है, इसमें से खाली इफ तो आ जाता है, लेकिन अगर आप एल्स के बाद इफ लेना चाहें तो वो नहीं आ सकता। एक्चुअली मैंने इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई इस तरह से किया है कि आपके पास एल्स के बाद अगर खाली इफ स्टेटमेंट है तो वो कैसे आएगी, क्योंकि आपके पास जो इफ एल्स वाला वाली प्रोडक्शन है ये वाली, इसमें तो जी। एल्स के बाद हमेशा इफ एल्स ही आता है। तो जस्ट आई गॉट द आइडिया कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने एल्स के बाद इफ वाली खाली स्टेटमेंट लिखनी है तो वो कैसे पिक होगी। तो उसके लिए बस इतना मॉडिफाई किया कि ये सेम है, ये वाला पोर्शन आप देखें इफ एल्स का, तो एल्स तक ये सेम है, इफ एल्स तक, यहाँ तक ये सेम है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इफ एल्स वाले पोर्शन में इफ एल्स आया है और यहाँ पे मैंने इफ कर दिया कि ओके इफ वाली भी अलाउड है, लेकिन सिर्फ उस केस में अलाउड है जहाँ पे आप खाली इफ की स्टेटमेंट पिक करें ये वाली। ये अलाउ, ये परमिशन हम इफ एल्स में नहीं देंगे, इफ एल्स में हमेशा इफ एल्स ही पिक होगा। एल्स के बाद अगर आप खाली इफ की स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो हमने ये वाली ऑप्शन ऐड कर दी कि अच्छा ठीक है खाली ओनली इफ वाली पिक करें और उसके बाद उसमें चाहे तो एंड पे एक आप परमिशन दे रहे हैं कि ठीक है एंड पे अगर इफ एल्स की जगह खाली आपने इफ लेना है तो एंड पे आप पिक कर सकते हैं। बात समझ आई है? यस मैम, हो गई तो बस इतना डिफरेंस है। और ये चीज हम इफ एल्स में नहीं लिख सकते थे क्योंकि इफ एल्स हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो हमेशा इफ एल्स ही पिक करेगा। बिल्कुल तो इसके लिए आप ट्री बना के देखिए, अब बनता है ट्री इसको यूज करते हुए ये इफ ओनली वाली? अब तो मेरा ख्याल है बन जाना चाहिए, ट्राई कर लेंगे जल्दी से। ओके मैम।
जी बनाया, ट्री बन गया। अब तो बन जाएगा इफ ओनली, एल्स के बाद इफ ओनली आ गया, तो ये एल्स इफ E3S1 भी पिक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा ट्राई कर लें, होपफुली बन जाएगा। मैं बस बना रहा हूँ, मैं बना के बताता हूँ। ओके में मैम बन गया, मैम जी तो हो गया, बन यस गया। यस मैम। अच्छा सही है, चलिए इसका मतलब आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया। बिल्कुल मैम। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा अब आपने ऐसे करना है, सो ये अब होपफुली इसमें ये जो हमारी एक नॉन एम्बिगुअस ग्रामर है, इस ग्रामर में अब एम्बिगुइटी नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा वैसे अपने एंड पे, आप इसमें से डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो हैं, ओके डिफरेंट स्ट्रिंग्स और ट्राई कर सकते हैं, करके देख लें। मेरे जहन में तो यही स्ट्रिंग्स थी जहाँ पे मुझे एम्बिगुइटी नजर आ रही थी, वहां से मैंने आपको एम्बिगुइटी रिमूव करवा दिया, लेकिन आप चेक कर सकते हैं इसको, फर्दर चेक कर सकते हैं। कोई स्ट्रिंग इफ की कोई भी वैलिड इफ का सिंटैक्स हो वो चेक करके देखें कि क्या इसका पार्शली ड्रॉ होता है, तो हम फिर उसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा से क्लास में, ठीक है। अब आपने ये करना है मंडे को, इनशाला हमारी रेगुलर क्लास तो मंडे को होगी सही, तो वैसे आपने अब करना ये है कि बाकी आप अगर आपको याद हो, अगर लास्ट क्लास में मैंने वैसे वो भी शेयर किया हुआ है स्क्रीनशॉट्स जो आपकी इसके थे, आपने चेक किए थे आपकी वीक में यस मैम, किए थे V12 में। हाँ बिल्कुल, बस उसमें आपके स्क्रीनशॉट्स भी हैं, तो मैं ये वाले भी स्क्रीनशॉट वैसे उसमें शेयर कर दूंगी। अगर आप उन स्क्रीनशॉट्स को देखें तो हमने एक दो ग्रामर्स और की थी जिसकी जिनकी एम्बिग्युटी डिटेक्ट की थी, आइडेंटिफाई की थी। अब आपने ये करना है कि आपने खुद ट्राई करना है उनकी एम्बिग्युटी, दो क्वेश्चन मेरा ख्याल है इसके अलावा और है, उनकी एम्बिग्युटी खुद रिमूव करें, हम मंडे को डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे रिमूव किए, ओके मैम। तो मैम वो ठीक है। ग्रुप और की उस डिस्कशन के मार्क्स होंगे, आपने जिसने ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, आप रिमूव तो आप कर ही लेंगे क्योंकि वो आपको इंटरनेट पे उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन उसको प्रेजेंट भी करना है आपने, फिर मैं उसके मार्क्स भी रखती हूँ, ठीक है, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स में ऐड कर दूंगी। ओके मैम, तो मैम वो ग्रुप डिटेल भी ऐड कर दीजिएगा LMS पे कि ग्रुप कौन से डिटेल, वो आपकी क्लास के दो ही तो ग्रुप बन रहे हैं, तीन, तो आपने कहा था तीन बनाए हैं कि मैम, मैंने आपने खुद बोला था तीन ग्रुप बनाने हैं।
हाँ हाँ तीन 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 ठीक है, चले मैं वो वाली फाइल अपलोड कर देती हूँ, आप शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ, मुझे तो नहीं आइडिया, आप खुद आप वो फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, टेम्पलेट है, आप उसे फिल करके मेरे साथ ही शेयर कर दें कि आपने क्या ग्रुप बनाया, ठीक है? ओके मैम, चलें ठीक है, अब इंशाल्लाह मंडे वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन के साथ, एम्बिगुइटी रिमूवल के बाकी दोनों क्वेश्चन की डिस्कशन से इंशाल्लाह, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।